दलित पिछड़े आदिवासी गरीब किसान मजदूर के बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को पढ़ाकर क्या अपने बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा कर दिया? ना केवल सरकारी स्कूलों को कमजोर किया बल्कि नो रिटेंशन पॉलिसी लाके वो जो थोड़ा पढ़ के सरकारी से भी कुछ बन जाया करते थे उस रास्ते को भी रोक दिया और साथ में कानून बना दिया, नौवीं में जो बच्चा आ जाए उसे एग्जाम देना और एग्जाम में अगर फेल हो जाए तो स्कूल से निकाल देना। अगर अपनी फैक्ट्रियों में खेतों में सस्ते मजदूर चाहिए तो इन सरकारी स्कूलों की हालत ऐसा कर दो इनको मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दो। एक साल में 2 लाख के आसपास फीस, 4 साल का कोर्स 8 लाख तो केवल फीस हो गई। अगर आप उसका किताबों का, हॉस्टल का, खाने का और बाकी खर्चे जोड़े तो एक बच्चे को एक इंजीनियर बनाने के लिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए, एक आर्किटेक्ट बनाने के लिए करीब करीब 12 से 14 लाख रुपया चाहिए। क्योंकि हम देश के ही दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है और जब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे अंदर है। और जो लोग जिन पूंजीपतियों के पैसे से इन वोट को खरीद कर सत्ता में आते हैं उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेच देते हैं। तो हम जहां से बाबा साहब ने हमारा आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था उस रास्ते को बंद करके हमें दोबारा से वापस गुलाम बनने की दिशा में उन्होंने मोड़ दिया है। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के 90% से अधिक लोगों को हजारों साल की गुलामी से बाहर निकालकर उनके विकास के रास्ते बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर जी, साहूजी महाराज, माता रामाई और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको विनम्र नमो बधाई करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। मंच पे आसीन आरएस चौहान साहब, डॉक्टर राम सुनील साहब, जयाताई बंसोड़े जी, लक्ष्मीचंद जी, राकेश कुमार जी और तमाम माताओं बहनों और साथियों, सामाजिक क्षेत्र पे चर्चा हो गई, राजनीतिक क्षेत्र पे चर्चा हो गई और चौहान साहब के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र पे भी चर्चा हो गई। सारी बातें हो चुकी हैं, मेरे बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन दोहराऊंगा नहीं, जो बातें ऑलरेडी हो गई उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। जो हजारों साल का हमारा इतिहास है उसके ऊपर भी नहीं बोलूंगा, बाबा साहेब का जो जीवन संघर्ष है उसके बारे में भी नहीं बोलूंगा, चूंकि वो हमारी छोटी बहन जया जी बोल चुकी हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ये सर्वे करवाया कि देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में जितने भी जज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से। तो सर्वे में निकल कर आया 98% माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजेस सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। देश के जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स हैं, वो भी लगभग 97% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन थी और वहां से पढ़ के देश की नीति निर्धारित करने वाले लोग बने। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि सरकारों ने सोची समझी साजिश के तहत अब से 40 साल पहले
धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया। पहले प्राइवेट स्कूल खुले, फिर प्राइवेट कॉलेज भी खुल गए और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती कम कर दी। स्कूलों को कमजोर करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका मन ना भरा। फिर वो नो डिटेंशन पॉलिसी ले आए, किसी भी बच्चे को फेल मत करो, पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास कर दो, अब उसे पढ़ाने सिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो शोषण करने वाला समाज है वो इतना सक्षम है, वो तो प्राइवेट स्कूलों में जाने लगा। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को पढ़ाकर क्या अपने बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा करना है? इसलिए एक साजिश रची गई और उस साजिश के तहत ना केवल सरकारी स्कूलों को कमजोर किया बल्कि नो डिटेंशन पॉलिसी लाके वो जो थोड़ा पढ़ के सरकारी से भी कुछ बन जाया करते थे उस रास्ते को भी रोक दिया और साथ में कानून बना दिया, नौवीं में जो बच्चा आ जाए उसे एग्जाम देना और एग्जाम में अगर फेल हो जाए तो स्कूल से निकाल दो। जब नो डिटेंशन पॉलिसी में आपने उसे बिना पढ़ाए आठवीं तक पास कर दिया, नौवीं में उसको एग्जाम देना है, उसको कुछ बेचारे को सिखाया तो आपने, है नहीं पढ़ाया तो है नहीं, तो पेपर में पास कैसे होगा? यानी ये साजिश सिर्फ इसलिए रची, इनके पेट में इस बात को लेकर दर्द हो गया, जो लोग हजारों साल तक हमारे गुलाम थे, ये गूंगा भैरा बेजुबान समाज जो कभी जुल्म के खिलाफ बोलता ना था, जो 15-15 घंटे काम जिससे लेते थे उसके बाद बिना पैसे काम करता था, जो कुछ बचा कुचा घर का खाना दे दिया उस पे जिंदा रहता था, आज वो पढ़ लिख कर हमारे बगल में अफसर बन के बैठने लगा है, वो डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, जज बन गया है, कलेक्टर बन गया है, इसको कैसे रोका जाए? और तो और वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगा है, कोर्ट में केस डालने लगा है, पुलिस में मुकदमे दर्ज कराने लगा है। तो इन बेजुबानों को बोलने की ताकत आई तो आई कहां से, लड़ने की ताकत आई तो आई कहां से, ये सामर्थ्य इनके अंदर आया तो आया कहां से? तो उन्होंने अपने चिंतन शिविर में इस पे जब गंभीरता से चिंतन किया तो उनको समझ आया कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर इनके आगे बढ़ने के रास्ते बना दिए, तो इनके पास बोलने की ताकत आ गई। अगर इनको बोलने से रोकना है, अगर अपनी फैक्ट्रियों में, खेतों में सस्ते मजदूर चाहिए, तो इन सरकारी स्कूलों की हालत ऐसा कर दो इनको मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दो। इस साजिश के तहत इन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खुलते चले गए, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो एक बच्चे के पढ़ाने के लिए एक साल के अंदर लाखों रुपया चाहिए। बच्चे ने किसी तरह मेहनत करके ही सरकारी स्कूलों की इस बुरी हालत के बावजूद भी अगर बच्चा कामयाब हो गया, अब उसको वो IIT में सेलेक्ट हो गया, मेडिकल में सेलेक्ट हो गया, BTech में सिलेक्शन हो गया, प्राइवेट तो छोड़ो सरकारी कॉलेज में सेलेक्ट हो गया, सरकारी कॉलेजों में आज की डेट में एक बच्चे की केवल फीस का खर्चा 2 लाख रुपए के आसपास है। मैं उसके हॉस्टल के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी किताबों पे खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, उसके खाने के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल फीस की बात कर रहा हूं। एक साल में 2 लाख के आसपास फीस, 4 साल का कोर्स 8 लाख तो केवल फीस हो गई। अगर आप उसका किताबों का, हॉस्टल का, खाने का और बाकी खर्चे जोड़ें तो एक बच्चे को एक इंजीनियर बनाने के लिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए, एक आर्किटेक्ट बनाने के लिए
करीब करीब 12 से 14 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे समाज के 99% बच्चे अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? क्या हमारे 99% लोग ऐसे हैं कि उनके लाखों का खर्चा उठा पाए? सोची समझी साजिश के तहत हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो मैं इतिहास पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा कि हमारे साथियों ने इसमें बोल दिया। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपनी संख्या बल को ताकत में तब्दील नहीं कर रहे। हमारी यह संख्या ही हमारी ताकत बन सकती है, क्योंकि हम देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं। और जब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे अंदर है। लेकिन जैसा चौहान साहब बोल रहे थे, कम से कम उस आर्थिक सशक्तिकरण की नीति को सपोर्ट तो करो। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, वो जानते थे कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी को हम ला रहे हैं देश में, जनता सरकार को चुनेगी, उसके लिए जनता को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ इस फेवर में थे जो ग्रेजुएट हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और कुछ इस फेवर में थे जो बड़े जमींदार हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे को, ग्रेजुएट को और बड़े जमींदारों को मिला होता, हमारे लोगों को ना मिला होता। क्योंकि हमारे लोगों को जब धर्मशास्त्रों में धार्मिक बंदिश लगा के पढ़ने लिखने से ही वंचित कर दिया, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगाकर व्यापार करने से वंचित कर दिया, तो फिर हम इनकम टैक्स देने वाले तो हो ही नहीं सकते थे। इसका मतलब हम लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलने वाला था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए। उन्होंने अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से पूरे देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिलवाया। लेकिन दुखद यह है, उन्होंने वोट का अधिकार तो दिलवा दिया, आपके हुक्मरान बनने के रास्ते को भी खोल दिया। लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं, अपने इस वोट के अधिकार की कीमत को पहचान ना पाए। हम शराब की एक बोतल में 500,000 2,000 रुपए में अपने इस वोट को बेच देते हैं। और जो लोग जिन पूंजीपतियों के पैसे से इन वोट को खरीद कर सत्ता में आते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेच देते हैं। देश के सारे उपक्रम बेच दिए, नौकरियों के रास्ते खत्म कर दिए, पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चे पढ़ ही ना पाए। तो हम जहां से बाबा साहब ने हमारा आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था, उस रास्ते को बंद करके हमें दोबारा से वापस गुलाम बनने की दिशा में उन्होंने मोड़ दिया है। इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए? दिल दुखता है। मंत्री बना दिए, एमपी बना दिए, एमएलए बना दिए, हमारे लोगों को इतनी अकल नहीं है। ये रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। आपको संसद में, विधानसभा में इसलिए नहीं भेजा था आप किसी पार्टी का पट्टा पहनकर गुलाम बनकर बैठ जाओ, पर आपकी आंखों के सामने आपकी सहमति से आपके समाज के बच्चों के विकास के रास्ते को बंद किया जाए और आप उसमें मोहर लगा दो। आपको वहां बोलना चाहिए, आपको वहां लड़ना चाहिए, आपको अपने समाज के दुख दर्द के लिए मजबूती के साथ सदन के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। लेकिन आप जो बाबा साहब जिम्मेदारी देकर गए, उसको तो निभा ही नहीं रहे हो। आप अपने बच्चों को कभी नजर मिला पाओगे क्या? जब वो अपने देश, अपने इतिहास को पढ़ेगा और देखेगा कि हजारों साल की गुलामी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तोड़कर गए,
लेकिन जो कुछ वो देकर गए हमारे इन्हीं माँ बापों की आंखों के सामने सब कुछ छिन गया, ये मजबूती से विरोध भी नहीं कर पाए, उसको बचा कर भी नहीं रख पाए। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। जैसा जया जी बता रही थी, जो नानक चंद रत्तू से उन्होंने कहा कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ बड़े कष्ट सहने के बाद यहां तक लेकर आया हूं, मुझे लगता नहीं मेरी उम्र अब ज्यादा बची है, तुम मेरे समाज के लोगों को समझा देना कि अगर इस कारवां को पहले तो कोशिश करना आगे लेके जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम इसको रोक के रखना। लेकिन पिछले 25-30 सालों में ये कारवां पीछे गया, हम रोक कर भी नहीं रख पाए, इससे दिल दुखता है, कष्ट होता है। हम आखिर कर क्या रहे हैं? हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, जो बाबा साहब ने दिया वो सब छिन रहा है। एक हम हैं रंगीन टीवी, रंगीन बीवी और रंगीन शराब, इसमें इतने खो गए कि पिछले 20-25 सालों में धीरे धीरे सब कुछ छिन गया। साथियों, आंखें खोलो, आपको लड़ना पड़ेगा। अरे अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चों के लिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वरना आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। मेरी बात को याद रखना, सोते वक्त जब आज आप बिस्तर पे जाओ तो 5 मिनट कम से कम मेरे शब्दों को एक बार रिमाइंड करना कि क्या हम जो बाबा साहब हमसे उम्मीद करते थे क्या हम उस पर खरे उतरे, जो हमसे वो चाहते थे क्या हमने वो किया, जो वो देकर गए क्या हम उसे बचा पाए, क्या हम अपने घर तक ही सीमित हो गए, हम अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। अगर सरकारें साजिश करके हमारे बच्चों से शिक्षा को महंगा करके शिक्षा को छीन रहे हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा कैसे बनेगा? ये सरकारें आखिर चुनी किसके द्वारा जाती हैं? इन पार्टियों का आखिर वोट कौन देता है? 85% सुनते सुनते हम बड़े बचपन से जवान हो गए, जवानी से 50 साल से ऊपर हो गए, क्या हम वास्तव में 85 कभी बन पाए? अरे 15% राज कैसे कर रहा है? उस 15% की बुद्धि से पूरे देश के सारे संसाधनों पर वो कब्जा कैसे कर रहा है? आखिर वो सत्ता में आ कैसे जाता है? जो लोग धर्म और जाति के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं वो जीत कैसे जाते हैं? कभी इसको सोचिए तो इसका कारण पता लगेगा। हम ही वो लोग हैं जो अपने कंधे पर इस धर्म को ढो रहे हैं, जो धर्म हमें गुलाम बनाता है। अगर आप कावड़ लेने, जो लोग कावड़ लेकर जाते हैं उनकी संख्या उनको देखेंगे, उनसे उनका अगर इंटरव्यू ले लें, आप पूछ लें आपकी समाज से कहां से हैं, तो आपको पता चलेगा इस हमारे ही अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग ये पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपनी नौकरी को छोड़कर 15-15 दिन इस कावड़ के चक्कर में अपना बर्बाद कर देते हैं, और 10-5 हजार रुपए भी बर्बाद कर देते हैं। जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो 10 दिन के लिए जाते हैं लेकिन 1 महीने की छुट्टी लेते हैं, 1 महीने की तनख्वाह भी जाती है उनकी। आप कर क्या रहे हो? जिन लोगों के पास पूरे देश का पैसा हो क्या वो कावड़ लेने जाते हैं? हमें उनसे सबक लेना चाहिए। वो अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, वो अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ नहीं रहे, वो इन चीजों में नहीं पड़े, वो लाइन में नहीं लगे हुए। हमारी सबसे बड़ी गलती है हम उस लाठी को तेल पिला रहे जो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। बच्चा कह रहा है मुझे कोचिंग चाहिए, मुझे ट्यूशन चाहिए, आप कह रहे हो पैसा नहीं है, और 2-3 लाख रुपए जागरण में लगा रहे हो, किसका भला कर रहे हो भाई? अपने बच्चे के विकास का गला घोटकर आप किन मतलब अंधेरे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आगे कुआ या खाई, और जाकर उसमें मर जाते हो और बच्चों का भविष्य भी मर जाता है। हमें लड़ना होगा इस लड़ाई को जो बाबा साहब चाहते थे, हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित करना है, सबके लिए समान अवसर मिले, सबके आगे बढ़ने के रास्ते खुले। बाबा साहब तो खोल कर गए लेकिन ये रास्ता सफल क्यों नहीं हो पाया? मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर राज क्यों कर रहे हैं? मुट्ठी भर लोग हमारे बहनों की इज्जत कैसे लूट लेते हैं?
सुंदर दिखने पर मूछ रखने मात्र पर हत्या कैसे कर देते हैं? बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बावजूद मुकदमे दर्ज नहीं होते। हमारे लोगों को सड़क पर धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? मुझे तो एक ही बात समझ में आई है, ये जो हमारे साथ उत्पीड़न है ये जाति की वजह से है। जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा, वो सॉरी उनका तो भाषण ही है जो उनको जाति तोड़क मंडल के सामने लेखन देना था, उसको जब कांसीराम साहब ने पढ़ा, रात को दो बार पढ़ा, उनको रात को नींद नहीं आई। उन्होंने संकल्प किया, मैं नौकरी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, अब मैं अपने समाज के को हुक्मरान बनाऊंगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया। और बाबा साहेब का लिखा हुआ वो भाषण जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में छपा, उसको जितने बार आप दो तीन बार अगर पढ़ लेंगे, आपके दिमाग के बत्तियां जल जाएंगी, दरवाजे खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ण व्यवस्था और जातिवाद ही हमारे विनाश का कारण है। हम लोग हजारों जातियों में बटे हैं और हम सभी लोग कहते हैं हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। ये रुकने वाला नहीं है, ये जातिगत उत्पीड़न तब तक होता रहेगा जब तक हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मान लेते। हम सब कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते तो उनकी बात को क्यों नहीं मानते? उनके बताए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? उनके विचार के साथ क्यों नहीं जुड़ते? वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, हम मूर्ति पूजा में लग गए, हम व्यक्ति पूजा में लग गए, नेताओं के गले में माला डालते डालते नेता के सर को इतना चढ़ा देते हैं, उसके बुद्धि में मतलब उसका दिमाग इतना भिन्न्या जाता है, उसको ना समाज का दुख दर्द नजर आता है, उसे सिर्फ अपनी कुर्सी नजर आती है। ये कुर्सी टेम्परेरी है, प्राइवेट परमानेंट नहीं है, किसी की भी कुर्सी परमानेंट नहीं है, जानी पक्का तय है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, चूंकि मेरे से पहले किसी और के पास थी, तो कोई सोचे वो कुर्सी बचाने के चक्कर में समाज के हक अधिकार को बेच दे, कुर्सी तो जाएगी, ये पक्का है, तय है। आप अपनी भूमिका निभाइए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा क्यों ली और क्यों चाहते थे भारत बौद्ध में बने? क्योंकि वो जान चुके थे जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब की बात को मान के बौद्ध में भारत के निर्माण की तरफ बढ़ने की बजाय, बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने की बजाय, जबकि वो कोई परायों का धम्म नहीं है, बुद्ध का धम्म हमारा अपना, हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत है, हमें उसे बचाने की बजाय, उसमें उसको आगे बढ़ाने की बजाय, बौद्ध बनने की बजाय हम गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। और तो और हम इतने बेवकूफ हैं, बोर्ड लिख के गांव के बाहर निकाल लिख रहे हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि। जब हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब हम जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, और जब हम जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं तो इसका मतलब जाति बनी रहेगी, और अगर जाति बनी रहेगी तो जातिगत उत्पीड़न भी बना रहेगा। अगर हम जाति से मुक्ति चाहते हैं तो कम से कम अपने अंदर के जातिवाद को तो खत्म करो। हम ये तो चाहते हैं वो हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न करते हैं, जातिवाद करते हैं, पक्षपात करते हैं, शोषण करते हैं, हम क्या करते हैं? वो जो कर रहे हैं वो उनकी परिणति है, वो उनका कर्म है, उनका व्यवहार है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो तो हमारा है। क्या हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं? क्या हम अपने आपस में एक दूसरे के साथ जातिवाद नहीं करते? हम अपने बच्चों की शादी करते तो अपनी जाति क्यों ढूंढते हैं? अगर आप चाहते हो इस शोषण से मुक्ति, तो आओ हम सब मिलकर संकल्प ले बाबा साहब की जयंती पर, अब हम भविष्य में अपनी जातियों को तोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे, और अपनी वोट की कीमत को पहचानेंगे, कभी किसी भी कीमत पर पैसे के लिए, शराब के लिए अपनी वोट को जाया नहीं करेंगे, और अपने समाज को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की तरफ आगे लेकर जाने के लिए जैसा चौहान साहब काम कर रहे हैं या डिक्की के लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुजन बाजार भी बना रहे हैं भाई, अपनी इस संख्या को अपनी ताकत बनाओ। आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे अंदर है और काबिलियत की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे ही लोग हैं जो लोग भारत सरकार की
पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उनके लोग तो काम करते ही नहीं, उन्हें तो पता है उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा तो आदमी चाहे वो छोटी सी नौकरी पे हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट आईएएस हो, वो अपनी नौकरी को बचाने में लगा रहता है, वो बेईमानी नहीं करता। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे लोग नौकरी में पूरी ईमानदारी के साथ बेहद मेहनत से, कठिन परिश्रम से देश के लिए काम करते हैं। तो जब हम लोग बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, सरकार की पॉलिसी बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो क्या अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी बनाकर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हम सबको एक अच्छी नीयत के साथ अपने बीच के भेदभाव को खत्म करके बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने समाज का आर्थिक सशक्तिकरण भी अब करना है, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। ज्यादातर सरकारी उपक्रम वो बेच चुके हैं, प्राइवेट में भी नौकरी नहीं है। कहने को 49.5% SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन रोस्टर पॉइंट में जब वैकेंसी 3 निकलती है तो तीनों जनरल हो जाती है। आप किसी भी कॉलेज में जो वैकेंसी निकल रही है, इंस्टीट्यूट में निकल रही है, कहीं भी निकल रही है, आप कभी देखना, जहां 4 वैकेंसी निकलेंगी 1 OBC को जाएगी, 3 जनरल को जाएंगी। जहां 6 वैकेंसी निकलती है 1 OBC को जाएगी, 5 जनरल को जाएगी। जहां 7 वैकेंसी निकलती है 1 SC को जाएगी, 1 OBC को जाएगी, 5 जनरल को जाएगी। जहां 11 वैकेंसी निकलती है 2 OBC को जाएगी, 1 SC को जाएगी, 1 EWS वो भी जनरल, और 7 जनरल, यानी 8 जनरल को, 2 OBC को, 1 SC को, ST को एक भी नहीं। तो 11 वैकेंसी में से जब 8 वैकेंसी जनरल को जा रही है और 3 SC ST OBC तीनों को मिला के जा रही है, तो आपका कितना परसेंट बेटा लगा लो। तो रोस्टर पॉइंट में भी एक धोखा है, नौकरियां है नहीं, नौकरियों के रास्ते जिनको मिल जाए, जो ब्रिलियंट है उनको आप बहुत हायर एजुकेशन में लेके जाइए। जो लोग, बच्चे को पता लग जाता है माँ बाप को, अगर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है उसको ITI कराओ, कोई टेक्निकल कोर्स कराओ, और छोटे मोटे लोन से अगर खुद के पास पैसा नहीं है तो जैसे हमारे विभाग है, छोटे छोटे लोन तो बिना किसी खास जमानत के बिना ही दे रहे हैं, उसका लाभ उठाओ और अपने लोगों के छोटे छोटे रोजगार करवाओ। और फिर चौहान साहब जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अपने समाज के लिए नए नई औद्योगिक नीतियों पर काम कर रहे हैं, उनका साथ दो और एक दूसरे को ताकत देते हुए हम सब आगे बढ़ें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कम शब्दों को ज़्यादा समझेंगे। ज़्यादा लंबा भाषण देने से तो फायदा है नहीं, हम कम से कम मिलके जितना कर सकें ईमानदारी के साथ करें बस, क्योंकि हम जो धोखा किसी और को नहीं दे रहे, हम धोखा भी दे रहे तो अपने आप को दे रहे, अपने बच्चों को दे रहे, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने समाज को लेकर आगे चले, और जो बाबा साहब हमसे उम्मीद करते थे उनकी उम्मीद पे खरा उतरे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो भूमिका।